हेलो भाई, हम बात करेंगे आज IGS क्लासिफिकेशन के बारे में। मैं जो IGS क्लासिफिकेशन करा था वो स्टार्ट इग्नियस रॉक्स का, उसमें आज आगे बात करेंगे हम। हमने IGS में डायग्राम पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था KVVF, उसमें आज आगे हमारे पास दो दो ट्रायंगल हो रहे हैं, वो पढ़ेंगे आज। उनके बारे में सब क्वेश्चन क्या चाहते हैं, क्वेश्चन करेंगे दो तीन, देखते हैं। तो IGS क्लासिफिकेशन में क्या था, तो ऑन द बेसिस ऑफ IGS क्लासिफिकेशन के में हमारे पास फैनेटिक रॉक्स के अंदर तीन रॉक्स मिलेंगे। एक तो फैनेटिक रॉक्स विद मोर देन 10% KVVF यानी क्वार्ट्स अल्कली प्लेयोग्लेन और फॉइड, दूसरा है हमारा गैब्रोई रॉक, तीसरा है एंटामॉर्फिक रॉक्स। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये पढ़ा था फैनेटिक रॉक्स विद मोर देन 10% अल्ट्रा क्वार्ट्स अल्कली प्लेयोग्लेन और फॉस्फार, हमने उसका ट्रायंगल देखा था कैसे बनता है, उस पर क्वेश्चन किए थे। आज हम देखेंगे गैब्रोइक रॉक्स और दूसरा देखेंगे एंटामॉर्फिक रॉक्स। तो गैब्रोई रॉक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है, यह है PPO यानी पेलोग्लेज पाइरोक्सिन ओलिविन। अच्छा, ट्रायंगल कैसे याद रखेंगे, तो सबसे ऊपर तो हमारे है पेलोग्लेज, दो पाइरोक्सिन, फिर ओलिविन, इसमें 90% है अनोर्थोसाइट यानी 90% पेलोग्लेज के अंदर कौन सा कंपाउंड है, अनोर्थोसाइट। फिर हमारे पास पाइरोक्सिन और पाइरोग्लेज के बीच में हमारे पास है गैब्रो, फिर पाइरोक्सिन और ओलिविन के बीच में हमारे पास है ट्रोक्टोलाइट और बीच में ओलिविन गैब्रो, तो उसको ध्यान रखना है हमें। हमारे पास जो ऊपर है तो पाइरोग्लेज, यहाँ पर पाइरोक्सिन और यहाँ पर ओलिविन, और जिसमें 90% पाइरोग्लेज हो अनोर्थोसाइट, और पाइरोग्लेज और पाइरोक्सिन के बीच में गैब्रो, और पाइरोग्लेज ओलिविन के बीच में ट्रोक्टोलाइट और बीच में ओलिविन गैब्रो, तो यह है गैब्रोई रॉक्स का ट्रायंगल।
एक एबेल वक्र ट्रायंगल हो गया, इसमें मैंने तो आपको सब कुछ बताया इसके अंदर। अब अगला देखते हैं ट्रायंगल बॉक्स का क्या है कैसे है। Must be white, where light, is where light. तो ये है हमारे पास अल्ट्रा माफिक बॉक्स अकॉर्डिंग टू आईजीएस क्लासिफिकेशन। सबसे टॉप पे है हमारे पास ओलिविन, फिर हमारे पास ऑर्थोपायरोक्सिन, फिर क्लिनोपायरोक्सिन। 90% इसके अंदर ओलिविन होगा और हाइड्रोनाइट, और जो 90-40% के बीच में हर कंपाउंड है उसे कहते हैं हर्जोब्यूराइट। इधर ओलिविन के और क्लिनोपायरोक्सिन के 90-40% के बीच में जो कंपाउंड और रॉक्स है इसे कहते हैं मर्लाइट। यहाँ पर बीच में हर्जोवोलाइट जो 40-10% यानी यहाँ पर 90% ऑर्थोपायरोक्सिन, यहाँ पर आएगा ओलिविन ऑर्थोपायरोक्सिन, फिर ऑर्थोपायरोक्सिन जैसे इधर ओलिविन, फिर क्लिनोपायरोक्सिनाइट, इधर क्लिनोपायरोक्सिनाइट। तो यह है अल्ट्रामाफिक रॉक्स क्लासिफिकेशन, आईजीएस क्लासिफिकेशन। तो आईजीएस क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन रॉक्स है बेसिकली, फेनेटिक रॉक्स जिसमें केवीएफ ट्रायंगल है हमारा, दूसरा गैब्रोइड रॉक्स जो हमने पढ़ा जिसमें ओलिविन पायरोक्सिन और पेलियोग्लेयर, तीसरा यह है अल्ट्रामाफिक रॉक्स ओलिविन ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लिनोपायरोक्सिन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आइडेंटिफाई द रॉक्स, एज पर डाइजेस्ट क्लासिफिकेशन एज पर आईजीएस क्लासिफिकेशन।
ये शून्य। ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास ओलिविन ऑर्थोपाइरोक्सीन क्लिनोपाइरोक्सीन तो ये देखिए जिसमें दिया गया है आइडेंटिफाई द रॉक्स ऑफ द पीएनटीओ डायग्राम एज पर द आईजीएस क्लासिफिकेशन। तो हमने आईजीएस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से रॉक्स ट्रायंगल पढ़े, पहला पढ़ा था हमने फेनोटिक रॉक जिसमें केवीवीएफ, दूसरा पढ़ा था हमने गेवीवीएफ रॉक जिसमें ओलिविन यहाँ पर आता है पायरोक्सिन नहीं पैलोग्लेज पायरोक्सिन और ओलिविन, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था अल्ट्रापाफिक रॉक जिसमें सबसे ऊपर था ओलिविन, यहाँ था ऑर्थोपाइरोक्सिन और यहाँ था क्लिनोपाइरोक्सिन। तो हमें बताना है पी एंड के कौन कौन से रॉक है। तो क्यों पे कौन सा था, क्यों पे था वेहल लाइट और पी पे कौन सा था हर्जोगोराइट, हर्जोगोराइट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, ऐसे सॉल्व करने हैं हमें, ट्रायंगल याद कर देने हैं पूरे से। यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें था ओलिविन ऑर्थोपाइरोक्सिनाइट, यहाँ पर था ऑर्थोपाइरोक्सिनाइट, इधर था ओलिविन ऑर्थो ओलिविन क्लिनोपाइरोक्सिनेट, यहाँ पर क्लिनोपाइरोक्सिनेट, बीच में आयहर आयहर जोराइड और यहाँ पर था ओलिविन पार्थोरोक्सिनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे जो एग्जाम में करने में टैकल, यहाँ पर आएगा पी की जगह हर्जोग्राइट, क्यू की जगह आएगा वर्ल्ड लाइट। तो ये क्वेश्चन एक ये था, अगला एक और देखते हैं क्वेश्चन। तो यह हमें दिया गया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर है पायरोक्सिन, इधर है ओलिविन, यहाँ पर दिया गया हुआ है ए एक्स, इधर गया नौ, तो हमें ये दिया गया हुआ है क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रॉक्स एक्स एंड ए इन द डायग्राम एज पर द आईजीएस क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे पास कौन सा क्लासिफिकेशन है, पैलियोग्लेज पायरोक्सिन ओलिविन, तो ये हमारे पास गैब्रोइक रॉक्स क्लासिफिकेशन। तो 90% गैब्रोइक रॉक्स क्लासिफिकेशन के अंदर पैलियोग्लेज में क्या होता है, वो होता है अनॉर्थोसाइट, अनॉर्थोसाइट। पैलोग्लेज और ओलिविन के बीच में कौन सा कंपाउंड रॉक्स मिलती है जो 90% और 10 के बीच में, पैलोग्लेज 90 से नीचे होती है वो होती है ट्रोक्टोलाइट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं आईजीएस क्लासिफिकेशन के जो हमारे पास एग्जाम में जो आते हैं 110%। तो मैं आईजीएस क्लासिफिकेशन के तीन हमारे पास ट्रायंगल जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो याद रखने हैं, पहला है फेनेटिक रॉक्स का यानी केवीएफ क्लासिफिकेशन का, दूसरा है गैब्रोइक रॉक्स का जो ये है, और तीसरा अल्टामाफिक रॉक्स के अंदर जो हमें याद रखना है। तो ये था आईजीएस क्लासिफिकेशन के तीन ट्रायंगल, फेनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ फेनेटिक रॉक्स, कल करेंगे वोल्केनिक रॉक्स के बारे में। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।